आज की कहानी है साले साहब की जिद। बादशाह अकबर के साले साहब ने एक बार फिर स्वयं को दीवान बनाने की जिद की। अब बादशाह सीधे सीधे तो साले साहब को इनकार कर नहीं सकते थे, सो उन्होंने फिर एक शर्त रखी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दीवान बना दूंगा, पहले तुम्हें एक काम करना होगा। यह लो 3 अशर्फियां और इनसे 3 चीजें खरीदना। हर चीज 1 अशर्फी की हो और पहली चीज वहां की हो, दूसरी चीज यहाँ की हो और तीसरी न यहाँ की हो न वहां की हो। साले साहब 3 अशर्फियां लेकर बाजार चले गए। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें तीनों ही चीजें कहीं नहीं मिली। थक हार कर वह दरबार में लौट आए और कहा, हुजूर, आप हर बार मुझे जानबूझकर मुश्किल काम सौंप देते हैं ताकि मैं दीवान न बन सकूं। साले साहब, काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, बस काम को करने की लगन होनी चाहिए। यही काम अब मैं बीरबल को सौंपता हूँ, देखना वह जरूर इसे पूरा करेगा। इसके बाद उन्होंने 3 अशर्फियां बीरबल को देकर वही बातें कही जो अपने साले साहब से कही थी। बीरबल बाजार गया और कुछ देर बाद लौटा तो बादशाह ने पूछा, कहो बीरबल, कुछ मिला? जी हुजूर, पहले मैंने 1 अशर्फी फकीर को दान में दे दी और पुण्य खरीद लिया, इससे वहां की चीज मिल गई। दूसरी अशर्फी मैंने खाने पीने में खर्च कर दी जो यहाँ की चीज थी, और तीसरी अशर्फी मैंने जुआ खेलने में गवा दी जो न यहाँ काम आई न वहां। बीरबल ने जवाब दिया, देखा साले साहब, इसे कहते हैं अक्लमंदी। तभी तो बीरबल ही मुझे दीवान के रूप में पसंद है। साले साहब का सिर शर्मिंदगी से फिर झुका का झुका रह गया। धन्यवाद।